रास्ता अस्सलामु अलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर से बहुत फासले के दूर पर एक मंडिया ज़िले गांव है, वहां पर आप पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोगों को एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुनीत करेहली, जो ने आपको जो है एक गौरक्षक समझा जा रहा है, वो दरअसल गुंडा है। उसने जो है एक मासूम इदरीस पाशा का जो है बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी खड़े हैं मंडिया के लोग, उनका ये कहना है कि उसी ने उनको मारा है। इस तरह इनके घर वालों को तसल्ली और इनके घर वालों को सब्र की तलकीन करने के लिए SDPI की जानिब से SDPI के रियासती सदर आली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने मैसूर से मंडिया तशरीफ लाए और यहाँ पर इनके घर वालों से मुलाकात की। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है और साथ ही साथ घर वालों की क्या मांग है और इनके जो है भाई, बड़े भाई और छोटे भाई हैं, उनकी क्या मांग है और मंडिया के खुसूसन जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। जी जनाब, अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह कल परसों कर्नाटक रियासत है, कर्नाटक में एक काला दिन भी कह सकते हैं, सिया दिन कह सकते हैं, जिस तरह गांव रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, इसको लेकर जो है कर्नाटक में भी इस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। रमज़ान के मौके पर जो है अली जनाब इदरीस पाशा, जिनकी जो है बेरहमी के साथ उनको कत्ल कर दिया गया है, उनके घर वालों को आप सब्र तकलील देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। ये जो हादसा हुआ है, हमारे भाई इदरीस को जो संघ परिवार के गुंडे लोग गौरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी करके जो कत्ल किए हैं, इसको मजम्मत करता हूँ। आज मैं इनका फैमिली को मिलने आया हूँ तो वो फैमिली के साथ हूँ इंशाल्लाह। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर है क्या, ये पूछना चाहता हूं जो अरगा ज्ञानेंद्रा जो होम मिनिस्टर है, क्योंकि ये पुनीत करेहली जो मुजरिम है तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मुसलमानों का खिलाफ ऐसा नफरत करना, जैसे कि आपको मालूम है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में जो एक छोटा सा कमरे में जो मुसल्ले में उधर का जो कुली का जो लोग नमाज पढ़ते थे, कभी कभी कुछ मुसाफिर भी नमाज पढ़ते थे, वो हर मजहब का उधर है, देवल भी है, चर्च भी है, तो उधर बहुत बड़ा एक हंगामा किया था वो रेलवे ऑफिसर्स का इंटरव्यू के बाद होता। यानी कि पुनीत करेहली को ऐसा खुलेआम छोड़े हैं कि ऐसा नफरत कर लेकर दो कम्युनिटी का बीच में ऐसा दंगे करने का एक काम जो किया है, आज खुलेआम जो मर्डर हुआ है वो कशी का नाम पे, इसमें पुलिस का नाकामयाबी दिख रहा है। पुलिस किधर है, क्यों ये लोग, ये जो पुलिस है, सिस्टम है, ये सब रहने के बावजूद भी ये लोग कौन होते हैं, व्हीकल को रोकने वाले, व्हीकल को चेक करने वाले, इसको कौन परमिशन दिया है? तो इसको कंडम करते हुए हम ऑलरेडी मैं SP और DGP को इस बात में मेरा बात पहुंचाया हूं, तो इमिडिएटली ये लोगों को जितने भी लोग हैं, मैंने FIR देखा, FIR पढ़ा, FIR में पुनीत करेहली अक्यूज नंबर 1 है, अक्यूज नंबर 2 अदर्स बोलकर डाले हैं, या अदर्स बोले तो बहुत सारे लोग हैं, 20 से 25 लोग रहेंगे ये लोग, तमाम जितने भी ये गो रक्षा का नाम पे जो गुंडागर्दी कर्नाटक में कर रहे हैं उसका ऊपर नजर रहना चाहिए। ये जो इंसिडेंट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए इनको अरेस्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो हादसा हुआ है, जो इदरीस का जो फैमिली, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका फैमिली है, तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। जैसा शिवमोग्गा में हरसा का मर्डर हुआ, प्रवीण नेटार को मर्डर हुआ, उस टाइम में जो कॉम्पनसेशन ये लोग 25 लाख 50 लाख जो भी दिए थे, तो हमें ये चाहते हैं कि देखिए आपका नाकामयाबी की वजह से, पुलिस सिस्टम का नाकामयाबी की वजह से ये जो हालात हुआ है,
तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को हम मांग करते हैं 50 लाख रुपए इस फैमिली को कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये हमारा डिमांड है और जितने भी लोग क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं इन तमाम लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। किस तरह आप इनके घर वालों से मिले, मुलाकात करें, आप किस तरह इनको यकीन दिलाए कि इनको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह? देखिए मैंने यही बता रहा था, देखिए SDPI ने पूरा मुल्क में जिस जब भी ऐसा एक हालात होता है, आप परसों राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ आप देखे, कहीं भी ऐसा हालात के ऊपर हम उधर पहुंच के उनका लीगल कार्रवाई हो दूसरा भी जो भी हो, हम जिस फैमिली को विक्टिम्स को जब तक इंसाफ नहीं मिलता उनका साथ खड़े होते हैं। तो ये जो केस में भी हम लोग ये फैमिली के साथ खड़े रहेंगे, ये बच्चे को जो इदरीस को जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये फैमिली को जब तक हमें खड़े रहेंगे। और ये जो केस है ये केस को भी हम लोग माइन्यूट फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह हमारा जिम्मेदार कनकपुरा में भी है तो हम लोग इसको फॉलोअप करेंगे। जब तक मुजरिम को सजा नहीं होता तब तक हम लोग इसका पीछे रहेंगे, इसका ये जो भी लीगल मैटर है इसको हम लोग फॉलोअप करके फैमिली के साथ हम लोग इंशाल्लाह रहेंगे। रियासत कर्नाटक में इंतखाबात करीब हैं, इस दरमियान इस तरह का होने से जो है किस तरह का खौफ का माहौल जो है पूरे रियासत में? देखिए ये इसका पीछे गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है, बिना गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुंबई ने साउथ कैनरा में एक बजरंग दल का लीडर को कहा था आप डरो मत, आप हम लोग इनका केस वापस लेंगे। तो परेश मेहता जेकर एक लड़के का मर्डर हुआ था, CBI उसको मर्डर नहीं है एक नॉर्मल डेथ है, एक एक्सीडेंटल डेथ है बोले, उस केस में करीब करीब 210 केसेस वापस लिए BJP का हुकूमत, बजरंग दल जितने भी इनका गुंडा टीम है इनका केस वापस लिया। अगर ये गुंडागर्दी करने वाले के केस वापस दिए तो गवर्नमेंट उनको और सपोर्ट मिलता है और हिम्मत मिलता है। तो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट जो BJP हुकूमत है ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग 2B रिजर्वेशन को लेते हुए हलाल हिजाब ऐसा जो गोकसी इतना इस तमाम चीज में गवर्नमेंट ही टोटली एंटी मुस्लिम जो पॉलिसीज बनाता है। तो इसमें ये जो गुंडे लोग हैं संघ परिवार का इनको एक परमिट मिला जाए ऐसा होता है खुलेआम, इसमें ये लोग ऐसा उनका कानून उनका हाथ में लेते हैं। जनाब जिस तरह हादसे का शिकार जनाब इदरीस पाशा साहब हुए हैं, हम सुन रहे थे पहले जो है ये नॉर्थ साइड में जैसे UP बिहार में इस तरह के हालात जो है सुनने को आते थे देखने को आते थे, अब रियासत कर्नाटक में आ रहे हैं और आप मंडिया के एक जिम्मेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे और इनके घर वालों को किस तरह जो है तसल्ली पर जवाब देना पसंद करेंगे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं तो इस बारे में ये कहना चाहता हूँ यूपी बिहार में नहीं कर्नाटक में हम लोग सोच रहे थे अभी नहीं आएंगे। ये संघ परिवार की सरकार जो नफरत फैलाने वाली सरकार है, इनका काम ही यह है कि वो अपने गुंडों को पाल रहे हैं। जब गुंडे पालेंगे तो वो गुंडागर्दी ही करेंगे ना, गुंडे तो अच्छा काम नहीं करेंगे। जब गुंडागर्दी करेंगे तो लोगों को तकलीफ देने का ही काम करेंगे। ये सरकार है ही तकलीफ देने के लिए, तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, तकलीफ ही देने का काम करेंगे और कुछ अच्छा करने का को ये सोचेंगे भी नहीं। इदरीस पाशा का ताल्लुक जो है किस तरह था, वो किस तरह के शख्स थे? वो तो बहुत अच्छा लड़का था, मेरे सामने पैदा हुआ बड़ा था, हम एक ही घर के पास ही रहते हैं हम लोग बचपन से, वो उसके बचपन से मैं जानता हूँ। वो शरीफ लड़का था, ऐसा नहीं था कि उसके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे थे, लोगों के साथ मिलजुल करना, उनके दोस्तों के साथ बैठना उठना बहुत अच्छे सुलूक का लड़का था। इस तरह का हादसा उनके साथ हुआ और कोई नौजवान जो है इस हादसे का शिकार ना हो तो उसके लिए नौजवानों को क्या करना चाहिए? देखिए नौजवानों को जो करना चाहिए वो तो करेंगे, सरकार को पहले वो करना चाहिए ना, नौजवानों को क्या करना चाहिए? अब देखिए सरकार को पुलिस को एक मजबूत करना चाहिए कानून, जो लोग गुंडे हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए। जब तक गुंडों को सपोर्ट करते रहेंगे तो ये मासूमों की खून ये होता ही रहेगा, मासूमों के साथ जुल्म ज्यादती होती रहेगी। मैं तो मेरे नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप डरिए मत, कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानून का सहारा लेके हमेशा फाइट करेंगे। इंशाल्लाह पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये भी नहीं है कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो गया है, थोड़ी सी उम्मीद है उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि उसे सजा हो, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आपकी क्या मांग है कि कर्नाटक हुकूमत जो है क्या
क्या चाहते हैं, उनके घर वालों को आप क्या दिलाकर दें, क्या चाहते हैं? हुकूमत से कंपोजिशन मिलना चाहिए और उनकी घरवाली की उनके बच्चों को या उनके घरवाली को हुकूमत से एक जॉब देना चाहिए, गवर्नमेंट काम देना चाहिए। क्योंकि अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई एक ही था, चार बच्चे हैं कि बीवी है, तो वो तो लाचार हो गए ना, मजबूर हो गए। तो जैसा कि प्रवीण नेतर के बीवी को दिया गया, ये भी तो इंडियन है, ये तो भारतीय है, इसको भी तो देना चाहिए। ये तो कहीं बाहर से नहीं आया था, भारतीय को उसको दे सकते हैं तो इसको क्यों नहीं? ओके, जो गाय रक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो खुलेआम इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको किस तरह का सबक सिखाना चाहिए? उनको तो सरकार सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार सबक नहीं सिखाएगी तो एक दिन जनता सबक सिखाने को आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। जनता को सबक सिखाने छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरकार को सबक सिखाएं और कानून के दायरे में सिखाएं, मेरी ये राय है। पाशा के बड़े भाई हैं जी जी। रमजान का मुकद्दस महीना, रमजान मुबारक का जो है बाद महीना जी। इस महीने में जो है आपके छोटे भाई इदरीस पाशा इस दुनिया फानी से कोच कर गए, आपको यकीन है और हमको भी यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शहीद का मर्तबा देगा और उनको जो है बिना बगैर हिसाब किताब के अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में इंशाअल्लाह। आप जो है किस तरह जो है अपने छोटे भाई की इस खबर को सुनकर जो है आपको कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो ख्वाबो ख्याल भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो तो एक सीधा साधा लड़का था मेरा भाई, काम को जा रहा था, काम से आ रहा था, इससे कोई लेना देना हुआ सब कुछ नहीं था। ये जो फैसिज्म के जो लोग हैं, ये अपने फायदे के लिए इसको शहीद कर दिए। अगर कुछ किया होता तो भी अरेस्ट कर सकते थे, पुलिस के हाथ सरेंडर कर सकते थे। ऐसा नहीं कि कानून हाथ में ले लें, जान से मार दें। अब हमारा भाई तो जान से चला गया, जो भी आगे जो लोग हैं इनके साथ ऐसा ना हो, ये मेरी एक राय है। क्या सरकार से आपकी क्या मांग है कि आपके भाई जी? हमें कानून मिले, इंसाफ मिले, और क्या चाहते? इस तरह शहर जान तो जी रियासती सदर अली जनाब अब्दुल मजीद साहब आपके गम में बराबर के शरीक रहे जी, इसको जो है आप उनका किस तरह जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनका किस तरह इस्तकबाल करना चाहते हैं? जी दिल से शुक्र अदा करना चाहूँ। अभी जो भी अहबाब आए हुए हैं, हमारे घर में शरीक हुए, मैं आप सब लोगों की शुक्रिया अदा करना चाहूँ। और इसी तरह हमारे इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है? पहले हम सुन रहे थे कि ये नॉर्थ साइड यूपी बिहार में इस तरह का हादसे का शिकार हो रहे थे, गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी ये आम हो चुकी थी। अब रियासत कर्नाटक में भी जो है इस तरह के हालात बहुत करीब, मैसूर से बहुत करीब मंड्या जिले में भी जो है इस तरह के हालात हो रहे हैं और पुलिस महकमा की जानिब से किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हो रही है, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।